वैसे कमाल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कठेरिया जी को अदालत से सजा मिल गई है 2 साल की, तो उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। उनकी सदस्यता जल्दी रद्द नहीं कर रहे हैं, और जिनको कोर्ट से रिलीफ मिला है उनकी सदस्यता जल्दी बहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष में नेता है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई। देखो, हम तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हमेशा देश के किसानों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करता है। सरकार जो इंडिया जो आवाज़ उठाती है उसके बारे में सरकार सोचे, और इंडिया को ही इस बार 2024 में देश की जनता चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती नहीं है, जो करती है वो बोलती नहीं है। अभी जाति की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भागने लगती है। तो जाति जनगणना करवा दीजिए, अगर आप इतनी ही आपको चिंता है तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते, पता चल जाए किसकी कितना भागीदारी है। हम समाजवादी लोग हमेशा से देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। देखिए, सवाल तो ये है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो सरकार फेल हुई है। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, वहाँ भी कानून व्यवस्था बनाने में फेल हुई है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी कानून व्यवस्था बनाने में सरकार फेल हुई है। इस सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।